हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी कि 12:30 बजे हमारे साथ जरूर रहिएगा, क्योंकि कादर खान के हम वो डायलॉग्स आपको दिखाएंगे जिनसे वो जबरदस्त मशहूर हुए। फिलहाल रुख इस खबर का। बाहुबली पूर्व सांसद और नेता आतिक अहमद को आज बरेली जेल का रास्ता दिखा दिया गया। देवरिया जेल में मारपीट और धमकी को लेकर सरकार को यह फैसला करना पड़ा, लेकिन आतिक अपने आप को दूध का धुला बता रहा है। आतिक अहमद का प्लान है कि 2019 में वो फिर से लोकसभा का चुनाव लड़कर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मुझे लाठियों से मारा, मेरी पीठ पे पूरा निशान है, मेरी दोनों उंगलियां तोड़ दी गई। देवरिया जेल में बाहुबली ने ऐसा खेल किया कि सरकार को उसे बरेली जेल का रास्ता दिखाना पड़ा। सुबह सुबह 8 बजे आतिक को बरेली लाया गया तो उसके पास अपनी सफाई में बहुत कुछ था। लखनऊ के बिल्डर से जेल में मारपीट के आरोपों ने ऐसा तूल पकड़ा कि अफसर नप गए। बाहुबली कहीं और खप गए, लेकिन जरा आतिक की मासूम सफाई सुनिए। ने आप पे जो आरोप लगे, आपने एक व्यापारी को रंगदारी और को मारा। एफआईआर गलत है, फेक एफआईआर है, एफआईआर में कोई वो नहीं है। अच्छा, और जांच होगी, सब साफ हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे कि कहीं किसी की साजिश है क्या आपको? ये वो व्यापारी, उससे तमाम ऑफिसर जुड़े हुए हैं। दरअसल आतिक का एक ऑडियो भी कल परसों सामने आया है, जिसमें वो रियल एस्टेट कारोबारी को धमकाता सुनाई पड़ रहा है। साफ कहा जा रहा है कि पैसे नहीं मिले तो हाथ पैर से तो समझो गए। अरे भाई बहादुर भैया, तुम एक काम करो, कल मत आओ, कल जो है वो हमारी बीवी आ रही है। हेलो जी, कल हमारी पत्नी आ रही है, कल आप मत आइए, और आइए तो कुछ ऐसा कर करा के आइए, कुछ मूड सही नहीं, ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे भाई। यकीन लेट जाओगे आराम से ठीक होने के लिए अस्पताल में, समझे, तो हमारा काम रुक जाएगा भाई। हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए, और जो भरोसा टूटा है आपका। जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप ना पड़िए, बात समझिए आपको, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने ना पड़िए। आप भाई आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप हमारे आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए, अभी ना आप मार जानते हैं ना मार का हाल जानते हैं, मार वो सबकी आसान चीज है ना, तो सब बात न करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे बड़ी लंघाई कर देंगे, तो उन चक्कर में कहा हो, बात समझे। सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं वो काम आप करिए, हम इतनी जवान आपको दे रहे हैं कि मूड हमारा सही हो गया तो हम आपको फिर से आपको वही दिला देंगे, वही सम्मान दिला देंगे, लेकिन फिलहाल लड़के जो कह रहे हैं उनकी कोई बात आप काटिए मत, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, जो कह रहे हैं वो आप करे जाइए, इसी में आपकी आपके परिवार की भलाई है। कुछ चीजें हम भी आतिक पर अपराध की पूरी लिस्ट सरकारी फाइलों में दर्ज है। ताजा मामला जेल में कारोबारी को सबक सिखाने का है। व्यापारी मोहित जायसवाल की पिटाई की गई, उसने जुबान खोलने की हिम्मत तो की लेकिन सजा भी सुना दी गई। मेरी 5-6 कंपनियां हैं जिनके एमजेन फ्राउजिंग बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके सारे दस्तावेज वो लेके आए और सारे दस्तावेज पे रिजाइनिंग लेटर लिखा हुआ था कि सब कंपनियों से वो रिजाइन करने के लिए, मुझसे उन्होंने कहा कि सब पे साइन करें। खैर आतिक को दूसरी जेल का रास्ता तो दिखा दिया गया है, लेकिन जनाब के इरादे तो देखिए, चुनावी योजना पर भी काम कर रहे हैं। क्या 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से लड़ेंगे? अब तय कर लेते हैं, इसीलिए सुकून से आए हैं। अच्छा, तय कर लेते हैं, अब यही वक्त है तय करने का। आतिक वो नाम है जो यूपी में हर शासन में अपनी चलाता है। ताजा मामला देवरिया जेल का है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कृष्ण राज, बरेली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।